नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। नरवाना की जाट धर्मशाला में पहुंचे हैं। यहां पर वार्ड नंबर 9 से बलजीत चोपड़ा जो पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए हैं, आज यहां पर प्रोग्राम किया गया, जलपान की व्यवस्था की गई है और 3 तारीख को जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इनको शपथ दिलाई जाएगी। एनजी न्यूज के माध्यम से पूरी खबर दिखाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम नरवाना की जाट धर्मशाला में किया गया है। हम बातचीत करना चाहेंगे बलजीत चोपड़ा जी जो पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए हैं, जीत कर आए हैं। प्रधान जी नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। राम राम। तो इसका जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पूरे वार्डवासियों देना। पूरे वार्डवासियों को कितना श्रेय आपको मिला है, कितना प्यार मिला आपको? जितना सोचा उससे कई गुना ज्यादा मिला। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये जो पार्षद का चुनाव था आपने पहले सुना था या एकदम? ये पार्षद का नहीं, ये भाईचारा चुनाव था। अच्छा, ये भाईचारा चुनाव। ये सोचा कब था आपने, एक साल पहले एकदम? ये हम तैयारी तो कई साल से कर रहे थे। अच्छा, अब खेर वार्ड ने भाईचारा ने पूरा शोक किया, इसके जीत क्या है और वार्ड के काम करेंगे, जो जो समस्याएं 10 साल से वार्ड में पैदा हुई है उनको खत्म करेंगे। अच्छा, जैसे आप पार्षद तो अब निर्वाचित रह रही है आपकी, हाँ जी, कुर्सी में बैठने के बाद क्या कुछ आपके दिमाग में है, कौन सी आशाएं, कौन सी समस्या सबसे पहले कि जो हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको उठाना जरूरी है जिससे जो वार्ड के लोगों का विश्वास है वो बना रही? सबसे बड़ी समस्या हमारा बाबा के बिसाव का जोड़। अच्छा, सबसे मेन समस्या हमारी यही है। अच्छा, पूरा हमारा नरवाना का जो केंद्र है वो जोड़ है। जोड़ और सबसे बड़ी समस्या है इसमें गंदा नाली आओ, ये बंद करवाना है। इसमें क्या करवाना है? इसमें तो पशु वगैरह भी तो आते हैं, उनको भी तो दिक्कत नहीं होगी ना? पशु वगैरह दिक्कत नहीं होगी, जो गंदा नाली आता है ये बंद करवाना है। अच्छा, गंदा नाला पानी, ये बंद करवाना। पानी डलवाया, नहर का पानी आएगा, इसमें पशु आएंगे, एक सड़क निकलेगी बाबा के हिसाब के मंदिर के सामने से सीधी, लोगों से सुविधा होगी इससे। दूसरी समस्या हमारी सीवरेज की, हमारे वार्ड में जो पूरे बैक मार दे बार बार, एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा उसके वार्ड में ही, कोई समस्या था वहाँ हो समाधान जल्दी होगा। हाँ, दो गलियां टूटी हुई है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास। हाँ, प्रपोजल सब तैयार है जी, महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा वार्ड का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक महीने पूरा मन में पूरी जी बात है। हाँ जी, महीने के अंदर पता लग जाएगा। अच्छा, साल नहीं, महीने में। अच्छा, लोग एक महीना परख लेंगे, एक महीना बता देंगे। चल ठीक है, किया है और युवा को मौका दिया आपने। हाँ भाई, तो इसके लिए आपकी कितनी मेहनत लगी और आपको क्या आशा थी? भाई पूरा जो भी 9 वार्ड के जितने भी मेंबर है नी, सारे ने पूरा जोर ले रखा था, हर जमा जी लेगा जिताया छोरा, 550 वोट तक है, पिछली योजना में रह गया था यू, इनका तो फिर माता ने कट गए जावा भाई छोरे। हाँ, इनका नया पार लैटी इसकी, जैसे पिछली बार कुछ वोटों से रह गया था, अब की बार वो कमी आपने पूरी कर दी है। पहले कुछ कमियां थी, जो मेहनत उससे ज्यादा की वो मेहनत रंग लेके आपके सामने है। हाँ, अभी पूरे पीएम कर रहो इसके लिए। हाँ, अभी रहोगे, काम तो करवाओगे साथ में। बड़ा खुश हूँ, बहुत बड़ा खुश हूँ जी। अच्छा, हाँ, भगवान ने बड़ी सुनवाई, बहुत बढ़िया होया, जमा मार आई तो धक्का काम कराए जाओगे इस पैसे, काम नहीं कराएगा नहीं, घर तक कान पकड़ेगा लियासगा, गांव की पंचायत इकट्ठी हो गए, बड़ी आदमी है, छत्ती बिरादरी का समर्थन था, कोई भी जाएगा काम करवा सका। राजू भाई पार्षद रह चुके हैं 2 बार, प्रधान जी देखो चुनावी माहौल में टक्कर होती रहती है, हार जीत रहती है, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ा रहता है। सबसे पहले मैं एनजी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सबका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो इलेक्शन है ये है भाईचारा का इलेक्शन, ठीक है ना। मेरे को 12 साल एमसी, पहले मैं दो प्लान एमसी रहा हूं, उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन रहा हूं, उसके बाद मैं तीसरी बार भाई बलजीत है इसके सामने, आमने सामने हम इलेक्शन लड़े हैं, ठीक है। ये हार जीत होती रहती है, ये भाईचारे का इलेक्शन है, मौका मिला है, हम इसमें बहुत संतुष्ट है और प्रभात में भी संतुष्ट है, देखो आप क्या बात है, ठीक है ना। तो ये सारे हम भाई है, तो कोई किसी प्रकार का दबेश नहीं, जीत कर आया है और खुशी का माहौल है। हम ना तो यू पिछली योजना रह गया था, चुस्ती बच्चा ना, छोटे बच्चे ना, बड़े ना, चाचे ताऊआ ना, सारे ने इतनी मदद करी है कि चंडा का गला ऊपर ठा लिया, परमात्मा की छत्तर था नहीं, क्या बात है, क्या बात है, पूरा रस कर दिया भाई, पूरा रस कर दिया और तोड़ कर दिया, ए न्यू पकड़ेगा कोई ले आइयो, मतलब दे न्यू कागज चल वो करवा रहा हूं। अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, एक मन में है, कई जने पार्षद मन जगह मन में, वो चेयरमैन आगे चेयरमैन की तो नहीं है ना, बिल्कुल मन में ना पार्षद ना एमसी, पूरा वार्ड है, पूरा भाई वार्ड है, मजा आएगा नहीं, वो आगे चलेगी, आगे जाके
एमसी सारे हैं। नरवाना का खाना करे कितने तो भाई साहब ये भाईचारा का है पूरा नरवाना भाईचारा अपना जिन्हें वार्ड पूरा भाईचारा नरवाना अपना तो भाई देख सकते हैं बलजीत चोपड़ा जी 400 चुने गए हैं और कितनी बढ़िया सोच है इनकी भाई अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम करवाने हैं और हमारा चैनल भी लगातार इन्हीं कामों के लिए बना हो कि हर जो वार्ड की समस्या होती है उनको उठाता रहता है। अगर काम नहीं करेगा वो समस्या दिखा देंगे, काम करेगा वो दिखाएंगे भाई भाई ने काम करा है, ये बातें हैं। तो एनजी न्यूज के साथ और भी जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है जो हमारी बहनें हैं ताई चाची जो नाच गाना कर रही है खाना है वो चीज़ें दिखाएंगे। फिलहाल एनजी न्यूज़ से